नमस्कार आदाब, आप देख रहे पल पल न्यूज और मैं पल पल न्यूज से राजा। 17 जुलाई को ही अमित शाह ने कहा था कि 22 जुलाई से सोशल मीडिया पर तिरंगे की तस्वीर लगाने की अभियान चलेगा। सभी सोशल मीडिया के खाते की डिस्प्ले पिक्चर यानी कि डीपी में तिरंगे की तस्वीर लगाएं। 22 जुलाई आ गई, किसी ने कुछ नहीं किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद अपील की थी। संघ ने भी अमित शाह की अपील पर अपनी डीपी में तिरंगे की तस्वीर नहीं लगाई। प्रधानमंत्री ने भी डीपी नहीं बदली, न मंत्रियों ने। कई दिन बीत गए तब प्रधानमंत्री ने अपील की कि 2 अगस्त से सभी अपनी डीपी में तिरंगे लगाएं। ऐसे में संघ प्रमुख की डीपी बदल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरएसएस ने भारतीय झंडे का डीपी में नहीं लगाया। कई लोग चैलेंज कर रहे हैं कि संघ तिरंगे की तस्वीर डीपी में नहीं लगाएगा। अभी के लिए यह चैलेंज सही है, लेकिन कई दिन बाकी हैं, हो सकता है अगले कुछ दिन में लगा लें। सवाल यह भी होनी चाहिए कि 2002 के पहले की भी कोई तस्वीर लगाएं, जिससे पता चले कि 2002 के पहले संघ अपने मुख्यालय पर तिरंगा फहराता रहा है। उसके पुराने नेताओं की खूब सारी तस्वीर होंगी। जिस तरह से बीजेपी इस अभियान में लगाई गई है, यह कहना जल्दबाजी हो सकती है कि संघ के कार्यकर्ता बीजेपी का काम नहीं कर रहे। जल्द ही संघ के कार्यकर्ता तिरंगे को लेकर मोदी जी का दिया हुआ टास्क पूरा करते नजर आएंगे। तिरंगा बनाने के कारोबार का भी हिसाब कभी होगा ही। गुजरात में 1000 लोगों की काम मिला है, क्या इसका संबंध चुनाव से पहले तिरंगा बनाने के बहाने लोगों की थोड़ी समय के लिए सही रोजगार देना है? जैसे ही उम्मीद खत्म होती है, 2-4 हफ्ते काम को उम्मीद पैदा कर देनी चाहिए। मैं इस उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूँ, ताकि अपने घर तिरंगे अभियान के पीछे की मानसिकता को समझ सके। 15 अगस्त को अनगिनत जगहों पर करोड़ों लोग तिरंगा फहराते हैं, इस पर मोदी साहब अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। आप रोज नहाते हैं, एक दिन मोदी जी ने कह देंगे कि रोज नहाना चाहिए, और देश कहने लग जाए कि हम मोदी जी के कहने पर नहीं नहा रहे। घर घर तिरंगा अभियान वही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने आरएसएस के देशभक्ति पर सवाल उठाए थे। हर घर तिरंगा अभियान को लोकप्रिय करने के लिए मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर डीपी में तिरंगा लगाने को कहा, लेकिन आरएसएस ने ऐसा नहीं किया। इसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस पूछ रही है कि आखिर आजादी के 52 साल बाद तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा न लगाने वाले आरएसएस खुद को देशभक्त कैसे कह सकते हैं? राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही घर से निकले हैं जिन्होंने 52 साल की तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाएंगे और आज भी नहीं रोक पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम नरेश ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि हम हर हाथ में तिरंगे के लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उन परिवार तक नहीं पहुंचा जिन्होंने 52 साल तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हत्या के बाद पूरे देश के लोग स्तब्ध थे। देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। 4 फरवरी 1948 को केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा था कि जो देश की आजादी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें सरकार जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत आरएसएस को गैर कानूनी घोषित करने का फैसला किया गया है। 1948 में गोवलकर ने पटेल की एक चिट्ठी लिखी और संघ पर से प्रतिबंध हटाने की अपील की थी। इस पर पटेल ने कहा था कि ये जरूरी है कि आरएसएस ने हिंदू समाज की सेवा की है और जहां जरूरत महसूस हुई वहां उसने हिस्सा भी लिया। हालांकि उन्होंने आगे कहा था कि हिंदुओं की मदद करना एक बात है, लेकिन गरीब महिला और बच्चों पर हमला सही नहीं है। इस चिट्ठी के बाद गोवलकर और पटेल में 2 बार मुलाकात हुई और फिर 11 जुलाई 1949 को संघ पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। अंग्रेजी अखबार के हिंदुस्तान टाइम्स ने एएमयू के प्रवक्ता उमर सलीम परिजादा के हवाले से बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं के लिए सनातन धर्म पर कोर्स लाया गया है। परिजादा ने कहा, एएमयू एक समावेशी विश्वविद्यालय है जहां सभी धर्मों के छात्र आते हैं, इसलिए हमने इस्लामिक स्टडीज विभाग एमए में स्नातन धर्म के कोर्स शुरू किया है। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है कि उमर परिजादा ने बताया कि एएमयू के थियोलॉजी विभाग में पिछले 50 सालों के सभी वर्ग के धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब उसी कड़ी के आगे बढ़ाते हुए सनातन धर्म के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की इच्छा थी कि सभी धर्म के छात्र छात्रा को एएमयू में शिक्षा मिले। अखबार के मुताबिक इस संबंध में इस्लामिक स्टडीज विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद इस्लाम ने वाइस चांसलर को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया है कि इस्लामिक स्टडीज विभाग में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस कोर्स का नाम कंपरेटिव रिलीजन यानी कि सनातन धर्म है। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सनातन धर्म का पाठ भी पढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग के इस्लामिक स्कॉलर अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब को सिलेबस से हटा दिया गया। उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पिछले कई दशकों को पढ़ाया जाता रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मधु किस्कर समेत देश के 20 से ज्यादा दक्षिणपंथी शिक्षाविदों ने भी बीते 27 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें स्कॉलर्स ने एएमयू, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और हमदर्द यूनिवर्सिटी सहित कई राज्यों में अनुदान के चलने वाले विश्वविद्यालय में मौलाना अबुल आला मौजूदी ने लेखों की पढ़ाई कराए जाने का इतराज जताया गया। इस पत्र के कुछ ही दिनों बाद एएमयू ने अपने आप फैसला लेते हुए मौलाना अबुल आला मौजूदी और सैयद कुतुब को सिलेबस से हटा दिया। मैं एएमयू से जुड़ी हर खबर आपके साथ साझा करता रहूंगा। शुक्रिया।